दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यूपीआई अपडेट और यहाँ पे वॉच वीडियो और यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का। सो कैसे अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में इस तरीके से ऑप्शन हो रहा है तो अपनी इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो आज किस वीडियो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कैसे बहुत लोग फोन पे एप्लीकेशन का यूज करते हैं लेकिन इनका यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन होता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उनके फोन पे एप्लीकेशन में इस तरीके से ऑप्शन क्यों हो रहा है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है नेवर मिस ए पेमेंट बाय एक्टिवेटिंग ए एडिशनल यूपीआई आईडी, कंप्लीट दिस विद ए सिंपल एसएमएस इन जस्ट वन क्लिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आज की वीडियो आपको सब कुछ करके बताने वाला करके दिखाने वाले हैं। सो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका इंपॉर्टेंट यूपीआई अपडेट इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आ रहा है तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ठीक करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक ऑप्शन होगा जैसे यहां पे वॉच वीडियो और यहां पे एक्टिवेट नाउ का, तो आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐसे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है आपके इस फोन पे एप्लीकेशन से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो बैंक है मतलब ये फाइंड कर रहा है कि आपको जो यूपीआई आईडी है मतलब एक्टिवेट कर रहा है, तो फाइंड कर यूपीआई आईडी यहां पे एक्टिवेट यहां पे हो रहा है। एक्टिवेट द फॉलोइंग यूपीआई आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेट द यहां पे फॉलोइंग यू पे आई डी। तो गाइस मेरा जो यू पे आई डी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, फिर से गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके आपका जो यू पे आई डी है फिर से गाइस यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने यू पे आई डी को यहाँ पे इस तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। तो गाइस जैसे फिर से अपनी यू पे आई डी को आप यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे तो गाइस फिर से वही ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब गाइस आपका फिर से वही ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ऑप्शन है हट जाएगा। तो गाइस अगर आपका इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आ रहा है तो गाइस अपने यू पे आई डी को जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका जो ऑप्शन है हट जाएगा। तो इस तरीके से गाइस अपनी से इंपॉर्टेंट जो पे अपडेट जो ऑप्शन है उसको आप इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।